एक और जहां देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए आए दिन नई योजनाएं ला रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग सरकार की योजनाओं और दावों पर पलीता मारने में तुला हुआ है। ताजा मामला भिवानी के जागृति कॉलोनी का है। यहां एक श्रमिक की पत्नी संजू को गर्भवती होने के बावजूद ईएसआई अस्पताल और भिवानी के सामान्य अस्पताल के चिकित्सकों ने महज पेट में गैस दर्द होने की बात कहकर टाल दिया। महिला द्वारा बार बार शिकायत के बावजूद चिकित्सक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। ऐसे में संजू के परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में दिखाने का फैसला लिया, जहां उसे 1.5 महीने की गर्भवती बताया गया। यही नहीं, संजू के गर्भ में एक नहीं बल्कि उसके पेट में 2-2 बच्चे बताए गए हैं। जी सर, हम गए थे 11 तारीख में, हमारे पेट में दर्द था। अच्छा। तो हमारे ऐसे लगता था, मतलब महीना नहीं आ रहा था, लग रहा था बच्चा है पेट में। ठीक है। लेकिन वहाँ पे गए, टेस्ट कराए छोटी एसआई, तो वहाँ पे नेगेटिव आया। फिर बड़ी एसआई गए, फिर हमारे दर्द हुआ, बड़ी एसआई गए, वहाँ पे भी नेगेटिव आया। ये एसआई में आप कितनी बार गए हैं? एसआई में हम गए थे 11 तारीख में। कितनी बार गए हैं ये एसआई में आप? 3-4 बार करीब में गए थे सर। अच्छा। हर बार उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दिया? हर बार नेगेटिव बताते थे। उसके बाद फिर बड़ी एसआई गए, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन बेकार थी, तो उन्होंने सिविल के रेफर कर दिए। अच्छा। सिविल में गए तो वहाँ पे गांठ बताए। अच्छा। यहाँ फिर बड़ी एसआई आए, तो उन्होंने बताया तो गांठ है, मतलब उस महीना आने की दवा दिए, उससे नहीं आया। सिविल हॉस्पिटल में भी बच्चा नहीं बताया गया? नहीं बताया गया। गांठे बता दी गई आपके पेट में? गांठ है। हाँ, गांठ है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आए, तो मामूली सी गांठ है, चली जाएगी, मतलब महीना दवा दी है उन्होंने खाने के लिए। उन्होंने गांठ ठीक होने की दवा दी? हाँ, नहीं, गांठ महीना आने की दवा दी है। महीना आने। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में फिर कुछ आया नहीं, फिर हम गए दोबारा, फिर हमारे 2 तारीख में दर्द हुआ, रात में ही होना चालू हो गया। फिर गए इमरजेंसी में, तो वहाँ पे दवा नहीं, बोले नहीं वह रहे आज का दिन, आज कुछ नहीं होगा। छोटी एसआई गए, वहाँ पे गैस की दवा दे दी है। बिना दवा के आपको हॉस्पिटल से वापस भेज दिया गया? हाँ, बड़ी एसआई से बिना दवा के वापस कर दिया, कि डेट खत्म हो गई उसकी। अच्छा। छोटी एसआई में गए, वहाँ पे भी मतलब गैस की दवा दिए, उससे आराम नहीं लगा, तो हम आशीर्वाद वाले हॉस्पिटल में आए शाम को। वहाँ पे इन्होंने थोड़ा शक सा लगा था, फिर अल्ट्रासाउंड बाहर के लिख दिए। आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या समस्या है आपकी? सर, समस्या ये है, जो है हमारी पत्नी को जो है पेट में दर्द होता, तो जो है हम एसआई हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है नेगेटिव दिखाते हैं, चेक करवाने गए तो उसके लिए दवा दिए, जो है बार बार हम जाते हैं तो जो है नेगेटिव ही दिखाते हैं। कई बार हॉस्पिटल आप? हम एक बार 11 तारीख को गए हैं, उसके बाद में फिर हम गए हैं 26 तारीख को, दिसंबर 26 को गए हैं। उसके बाद में हम गए हैं इधर को गए हैं, फिर उसके बाद में गए हैं 10-12 को, उसके बाद में 20-12 को, फिर जो है 27-12 को, सभी में निगेटिव ही दिखा रहे हैं। डॉक्टर से आपने बात करी कि पेट में दर्द होता क्यों होता है, क्या बताया डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने ये बताया कि जो है गैस बन रही है, गैस की वजह से हो रहा है। तो हम जो है इसलिए गए थे कि जो है मतलब जो है डेट नहीं आ रही, इस वजह से हम गए हुए थे। कहाँ काम करते हैं आप? काम BTM लाइन में काम करते हैं, BTM मिल में। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? करीब में 8 साल हो गया जी। अच्छा। BTM में काम करते हैं, इसलिए आप ES हॉस्पिटल गए? जी जी। अच्छा, और क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने फिर जो है ये सिविल हॉस्पिटल में जो है रेफर कर दिए, जो है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। वहाँ पे दिखाया कि जो है गांठ है पेट में। फिर जो है आज मतलब जो है 2 तारीख को फिर SI में गए थे, अचानक जो है इमरजेंसी में गए थे। इमरजेंसी में ये बोले कि जो है हम दवा नहीं दे सकते, आज जो है फर्स्ट मतलब जो है वो न्यू ईयर है, हम दवा नहीं दे सकते, छोटी SI से आप रेफर करवा के ले आइए। फिर जो है वहाँ पे गए, तो जो है वहाँ बोले हम रेफर नहीं करेंगे, हम दवा दे सकते हैं। फिर हम जो है आशीर्वाद हॉस्पिटल पे आए, तो यहाँ पे दिखाए थे, यहाँ पे उस हिसाब से दवा दिए। तो इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी लिखा, फिर अल्ट्रासाउंड हम जो है कल लिखे थे, आज हम करवा के आए, तो उसमें पॉजिटिव आ रहा है। जो आपने अल्ट्रासाउंड अब करवाया, वो प्राइवेट में करवाया? हाँ जी, प्राइवेट में करवाया। और जो पहले करवाया था सरकारी? सरकारी में करवाया था। उसमें क्या आया था? उसमें निगेटिव आ रहा, 27 तक निगेटिव आ रहा है। आज जो हम करवाए तो पॉजिटिव आ रहा है, उसमें दिखा रहा है जो 1.5 महीने का जो है। कौन से 27 की बात कर रहे हैं आप? 27 दिसंबर को। और आज हम 3 जनवरी को करवाया है 2017 में, तो जो है इसमें ये दिखा रहे हैं कि 3 महीने यानी कि 1.5 महीने का बच्चा है, और भी जुड़वा है। अच्छा।
आवाज टेस्ट कर। कोई और भी समस्या है आपको निशिल को? जी, और पेट में दर्द रहता हमेशा। बोला है आपके सामने और किस प्रकार से पेशेंट के उसमें फर्क आ रहा है? सर, मेरे पास संजू नाम की पेशेंट आई थी कल, दो दिन पेट में दर्द की शिकायत थी, और तब उसने मुझे कल भी आके यही बताया था कि मुझे पेट में ही दर्द है। तो मैंने इसे पीछे की रिपोर्ट्स वगैरह पूछी, सारी हिस्ट्री ली, तो इसने कहा कि सब वो टेस्ट वगैरह मेरे नेगेटिव है, मुझे मेंसेस नहीं आ रहे, तो टेस्ट की इसने सबकी नेगेटिव बताई। फिर मैंने इसे USG के लिए कल रेफ़र किया था, आज ही मेरे पास USG की रिपोर्ट्स लेके आई, उसमें पॉजिटिव आया। फिर मैंने इसकी पीछे की रिपोर्ट्स और आज की रिपोर्ट्स कंपेयर किया, तो दोनों में बहुत डिफरेंस था सर। लास्ट 27/12 का भी जो UPT है ESI का नेगेटिव दिखा रखा है, और जबकि मैंने आज अपना UPT टेस्ट किया है, नीलकंठ ने किया है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया है, सब पॉजिटिव है। डिफरेंस की आपने बात करी, जो ट्विंस बच्चे आप बता रहे हैं, कितने टाइम के बाद पता लगता है कि बच्चा है पेट में? आफ्टर 20 डेज बाद UPT में विद इन 7 डेज हमें पता चल जाता है, और USG में आफ्टर 20 डेज बाद बच्चे की FHS हमें पता चल जाती है। तो इसमें तो सर बहुत ज़्यादा 1.5 महीने तक का हमें कोई वो नहीं है रिकॉर्ड कि इसमें पॉजिटिव है या नहीं है। जो रिपोर्ट्स इनकी प्राइवेट आई उसमें कितने महीने का बच्चा दिखाई दे? प्राइवेट में इनका 6 week 5 days का बेबी है, और 1 6 week 1 days का है। ये सही है, सरकारी हॉस्पिटल में जब जब ये गए हैं, तो उसकी नेगेटिव रिपोर्ट कहाँ तक आई है, कहाँ से शुरू हुआ था इनका चेकअप? 11 नवंबर से स्टार्ट हुआ था इनका, और 27 दिसंबर तक इनका नेगेटिव ही शो कर रहा है। बीच में जब 14 दिसंबर को इन्होंने उसमें सिविल में जब अपना अल्ट्रासाउंड कराया, तो वहाँ इन्हें ओवेरियन सिस्ट बता दिया था, जबकि वो ओवेरियन सिस्ट नहीं था। ओवेरियन सिस्टम का क्या मतलब होता है जो आप बता रहे हैं? ओवेरियन सिस्ट होती है अंडेदानी में गांठ हो जाना, वो तो है ही नहीं, वो तो अलग ही केस हो जाता है, जो इसमें बिल्कुल ही गलत है। आपके कहने का मतलब है कि रिपोर्ट बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है सर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।